चलो लास्ट में कुछ दिए थे बनाने के लिए, कोई डाउट उसमें? थोड़ा क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन बोलो। स्क्रीन शेयर कर देते हैं। हाँ बोलो। 36 का सेकंड पार्ट ना? यस सर। सपोज चार्ज ऑन अ मेटालिक स्फीयर इज क्यू, इफ द स्फीयर इज पुट इन कॉन्टेक्ट विद आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर, द चार्ज विल स्प्रेड ओवर द टू स्फीयर बाय सिमेट्रिकल चार्ज ऑन ईच स्फीयर विल बी, वो तो हमने लास्ट में पढ़े ना, कंडक्शन में क्यू बाय टू हो जाएगा। When distance between two charges sphere is varied so that it becomes half the initial distance, force between them will become. देखो ऐसा क्वेश्चन है ना, लास्ट ईयर हो चुका था, चलो ऑफ कर दो इसको, फिर देखो। देखो जैसे लास्ट ईयर हम लोग ऐसा एक क्वेश्चन कर रखे थे, स्टूडेंट का क्वेश्चन ऐसा है कि मान लीजिए ए एंड बी आर टू स्फीयर्स, एंड बी आर टू स्फीयर्स और इनके बीच का डिस्टेंस है डी। क्वेश्चन ये कहता है कि एक के ऊपर चार्ज है दूसरा अनचार्ज है, तो क्या उनके बीच लगने वाला फोर्स अभी जीरो है? ऑब्वियसली दोनों चार्ज होगा तभी उनके बीच फोर्स लगेगा। अगर क्वेश्चन ये लिखता है कि दोनों के बीच एक चार्ज और एक अनचार्ज है तो ऑब्वियसली उनके बीच लगने वाला फोर्स जीरो है। अब सोचो नाउ ए एंड बी कम्स इन कॉन्टैक्ट, अगर ए और बी एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाए तो जैसे ही आप ए और बी को कॉन्टैक्ट में लाएंगे जो भी नेट चार्ज है, जो भी नेट चार्ज है क्यू, क्या वो हाफ हो जाएगा क्यू बाई टू एंड क्यू बाई टू? एंड ऑल्सो एक बार उमंग चेक कर लेना, क्या इनिशियली एक चार्ज और दूसरा अनचार्ज था? यस सर। ठीक है तो अभी देख लो, एंड ऑल्सो सेपरेशन बिटवीन देम इज हाफ, सेपरेशन को भी हाफ कर दिया गया, तो अब ए और बी पे चार्ज भी हाफ हो गया क्यू बाई टू और उनके बीच का डिस्टेंस भी हो गया डी बाई टू, तो अगर आप नया फोर्स निकालेंगे देन इट इज के क्यू बाई टू एंड सेपरेशन डी बाई टू का स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अभी जरा गौर करो, अगर इसको सॉल्व करा देन दैट फोर्स इज के क्यू स्क्वायर बाई फोर ऊपर और नीचे डी स्क्वायर बाई फोर, दोनों फोर फिर से कैंसिल, देट एफ इज के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ये रहा तुम्हारा नया फोर्स। ठीक है, के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, दिस इज योर न्यू फोर्स। ठीक है चलो आगे बताओ, कुछ और डाउट किसी का? देखो इसको टाइम्स नहीं लिखेंगे, अगर इनिशियल जीरो तब तो ये कुछ भी वैल्यू है तो इनफाइनाइट टाइम्स है। ठीक है, ये आपका फोर्स है, बस आप इसको ध्यान रखिए, उसको टाइम्स आप नहीं लिख सकते। अगर इनिशियली दोनों पे चार्ज होता ना, अगर इनिशियली दोनों पे कुछ कुछ चार्ज होता तो कोई फोर्स आता, तब आप उसका कोई मल्टीपल लिख सकते, अभी आप उसका मल्टीपल नहीं लिख सकते। तब इसका मतलब ये है ना कि शुरुआत में क्वेश्चन एक बार रीड कर लो, तो शुरुआत में बी भी चार्ज है क्या? एक बार पढ़ो ना क्वेश्चन, शेयरिंग का जरूरत नहीं, क्वेश्चन पढ़ो। यस सर। सपोज चार्ज ऑन अ मेटालिक स्फीयर इज क्यू, इफ द स्फीयर इज पुट इन कॉन्टेक्ट विद एन आइडेंटिकल अनचार्ज्ड स्फीयर, द चार्ज विल स्प्रेड ओवर द स्फीयर बाय सिमेट्री, चार्ज ऑन द ईच स्फीयर विल बी, क्यू बाई टू हो गया वहां पर। हाँ ठीक है। उसके बाद सर, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज वैरीड सो दैट इट बिकम्स हाफ द इनिशियल डिस्टेंस, फोर्स बिटवीन देम विल बिकम। हाँ तो देखो ये दो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही है। अब ये दूसरा क्वेश्चन क्या है ना, दूसरे क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सोचो, सेकंड पार्ट देखो। एक बार तो आपको चार्ज से बताया गया, दूसरा ने क्या बोला ना कि दो पार्ट के लिए, मान लो एक क्यू है दूसरा क्यू है और उनके बीच का डिस्टेंस डी है, तो ऑब्वियसली जो आप फोर्स लिखेंगे वो होगा के क्यू क्यू बाई डी स्क्वायर। नाउ
क्वेश्चन ये कहता है कि सेपरेशन को केवल हाफ कर दो और कुछ नहीं, बस सेपरेशन को हाफ कर दो। जब तुम सेपरेशन हाफ करेगा तो नया फोर्स जो लिखेगा वो होगा के क्यू क्यू और सेपरेशन में डी बाई टू का स्क्वायर। अब डी बाई टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर ऊपर चला जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इंटू फोर, सो न्यू फोर्स बिकम्स फोर टाइम्स। ओके, एफ जो है वो पुराने फोर्स का फोर टाइम्स है, पुराना फोर्स अगर एफ नॉट है तो उसका फोर टाइम्स है। ठीक है, और आगे किसी का क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन हाँ, क्वेश्चन बोलिए। क्वेश्चन हाँ, फोर्टी सिक्स उमंग शेयर करो जी। यस सर, कर रहे। हाँ बस बस, ठीक है ठीक है, लिखा है टू कॉपर बॉल, सही है ना? यस सर। टू कॉपर बॉल्स इच वेगिंग 10 ग्राम आर केप्ट इन एयर 10 सेंटीमीटर अपार्ट। इफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एवरी 10 टू द पावर 6 एटम इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉल टू अदर, द कूलम फोर्स बिटवीन देम इज। देखो यहाँ पे कॉपर का एटॉमिक वेट 63.5 दिया है, तो थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट का, थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट का काम है अपना ऑडियो। चलो ये देखो, हम लोग के पास टू कॉपर बॉल्स है, हर किसी का वेट 10 ग्राम है 10 सेंटीमीटर अपार्ट। दिस इज वन ऑफ द कॉपर बॉल, मान लो जैसे इसको आप ए लिखते, और ये दूसरा कॉपर बॉल है बी, दोनों का मास एम। ठीक है, क्वेश्चन में मास दिया गया है 10 ग्राम और इनके बीच का डिस्टेंस है डी, क्वेश्चन में वो सेपरेशन दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये कहता है कि आप इसको चार्जिंग जो करते हैं, उस चार्जिंग में आप इलेक्ट्रॉन एक एटम से निकाल के दूसरे एटम पे ट्रांसफर कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉन एक एटम से निकाल के दूसरे एटम पे ट्रांसफर कर रहे हैं। नाउ थिंक दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉल टू अदर इज 10 टू द पावर, हाउ मच इट इज 10 टू द पावर 6 एटम्स, सॉरी वन इलेक्ट्रॉन फॉर एवरी 10 टू द पावर 6 एटम्स, वन इलेक्ट्रॉन फॉर एवरी 10 टू द पावर 6 एटम्स। अब देखो यहां पे होगा क्या ना, कि चार्ज निकालने के लिए आपको मोल कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। जरा सुनिएगा, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो आप मास में मोलर मास से डिवाइड करके एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें। देखिए मोल कॉन्सेप्ट, जब आप मास ऑफ कॉपर में कॉपर के मोलर मास से आप डिवाइड करेंगे तो ये नंबर ऑफ मोल्स होगा, और इस नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर ऑफ एटम्स होगा। सो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन इट इज 10 ग्राम डिवाइडेड बाई 63.5 ग्राम इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, ये इतना एटम्स हो गया। मतलब आपका नंबर ऑफ एटम्स हुआ 10 इंटू 6.02 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 63.5, इतना एटम्स है। अब इस लाइन को थोड़ा अच्छे से समझना, यहां से यहां तक लाइन को समझना, 10 टू द पावर 6 एटम्स के रिस्पेक्ट में एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो इतने एटम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, सिंस 10 टू द पावर 6
atoms gives one electron, therefore one atom gives 1/10^6 electron, therefore जो आपका number of atoms आया है 10 × 6.02 × 10^23 divided by 63.5 atoms gives 1/10^6 10 × 6.02 × 10^23 by 63.5। अब देखो ये कैलकुलेशन थोड़ा, ये तुमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा ट्रांसफर, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ वो बताएगा। देखो 10^6 है यार 23, एक बार में कर लेते हैं, और यार 10 भी है तो ये हो गया 6.02 × 10^18 डिवाइडेड बाय 63.5 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन आ गया भाई, इतना इलेक्ट्रॉन आ गया। अब अगर आपको चार क्या ठीक है ना, ये कैलकुलेशन समझ रहा है ना? यस सर। सो अगर हम चार्ज लिखे तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रहा 6.02 × 10^18 नीचे 63.5 और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10^-19 यूनिट इज कूलम्ब, इतना चार्ज आ गया। देखिए आपका चार्ज मिल गया, मतलब इसका चार्ज अगर मान लो प्लस है तो इस पे उतना ही माइनस है। कारण क्या है, क्वेश्चन ये लिखता है कि एक से इलेक्ट्रॉन निकला है और दूसरे में इंटर किया, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकला वो बिकम्स पॉजिटिव और जिसमें इलेक्ट्रॉन इंटर किया दैट बिकम्स निगेटिव। हम लोग अभी चार्ज का वैल्यू निकाल लिए, सेपरेशन मालूम है, सो ऑब्वियसली अगर आपको फोर्स चाहिए देन यूज के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। के का वैल्यू आप जानते हैं, के कितना होता है बोलो? 1/4 πε₀ × 9 × 10^9 बिल्कुल सही, 9 × 10^9। क्यू का वैल्यू आपके पास है, डी का वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है 10 cm, मीटर बदल लेंगे, सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, सब कुछ सुनो ध्यान से, मोल कॉन्सेप्ट भी थोड़ा यूज हुआ है। दो पर्टिकुलर स्फीयर था आइडेंटिकल, मास दिया गया था कॉपर का, उनके बीच का डिस्टेंस है, बोला गया कि अगर 10^6 एटम के रिस्पेक्ट में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो एक से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे में दे रहे हैं और उसको 10 cm सेपरेशन पे रखे तो फोर्स बताओ। तो हम लोग का पहला काम क्या है कि मोल कॉन्सेप्ट से नंबर ऑफ एटम्स निकालें, नंबर ऑफ एटम्स का कैलकुलेशन हुआ, फिर यहां पे देखें कि हम लोग यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालें और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार्ज और चार्ज से फिर फोर्स। चलो बढ़िया क्वेश्चन, कोई डाउट, जिसका भी डाउट था देख लो सब कोई। सर एक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो। व्हाइल टेकिंग ऑफ सिंथेटिक क्लोथ्स सीइंग अ स्पार्क और हियरिंग अ क्रैकल इज द केस ऑफ लाइटनिंग और थंडरिंग, साउंड्स आर ड्यू टू मोशन ऑफ आयंस थ्रू एयर, प्रोडक्शन ऑफ शॉक वेव्स ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज एक्चुअली ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है ना कि वो एक्चुअली है ना जो सिंथेटिक क्लोथ सब होता है उसमें ना रबिंग के कारण चार्ज एक्युमुलेट हो जाता है, तो जैसे उसको मौका मिलता है डिस्चार्ज होने का तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, उस वजह से है ना थोड़ा साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है ठीक है, फिर थोड़ा देखो अब आगे, लास्ट टाइम लोग ये सीख रहे थे। अच्छा लास्ट एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस हो रहा था कि दो चार्ज पार्टिकल था, दो बॉब था जो एक कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड था, तो उनमें सिमिलर चार्ज होने की वजह से दे स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर एट सम पॉइंट, बोला गया कि उस सेपरेशन पे थीटा निकालो, तो हम लोग एक कैलकुलेशन की। फिर क्वेश्चन का बी पार्ट जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें तुमसे ये बोला गया कि उन चार्ज पार्टिकल के बीच एक लिक्विड मीडियम डाल दिया गया जिसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है, बताओ कि हमारे बॉब का डेंसिटी कितना हो कि जो एंगल थ्रेड के बीच पहले था वही एंगल थ्रेड के बीच बाद में भी रहे। तो रो बाई 1 किया था, ठीक है बिल्कुल सही, रो बाई 1 k। ठीक है अब देखो इसमें है क्या कैलकुलेशन, ये था कि हम लोग ये सीखे थे कि जब हम लोग उस पूरे सिस्टम को किसी मीडियम में डाल देंगे
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के टाइम्स घट जाएगा, mg वैसे ही रहेगा, थ्रेड का टेंशन, लेकिन इन सब के साथ एक और फोर्स जिसको आप फोर्स ऑफ बॉयंसी कह रहे थे वो आप थ्रस्ट की तरह ऊपर लगने लगेगा। फिर से हम लोग उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व किए थे और इक्विलिब्रियम के लिए हॉरिजेंटल फोर्सेस को बैलेंस किए थे और वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करके इक्वेशन बनाए और उनको डिवाइड करके कैलकुलेशन किए थे। वैसे क्वेश्चंस पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एसएचएम का भी कंडीशन लास्ट आपको सिखाया गया। अब देखिए हम लोग ये सीखे कि अगर दो चार्ज पार्टिकल एयर में है तो उनके बीच लगने वाला फोर्स 1/4πε0Q1Q2r² से निकाल लो। अगर ये चार्ज पार्टिकल दोनों का दोनों अगर किसी मीडियम के अंदर चला जाए तो भी फोर्स निकालना आसान है, 1/4πε0 के साथ k लगा देंगे, Q1Q2r² कर लेंगे। लेकिन कुछ एक इंपॉर्टेंट सेक्शन ये है, क्या होगा अगर चार्ज पार्टिकल के बीच का आधा मीडियम, आधा पोर्शन कोई एक दूसरा मीडियम है और आधा पोर्शन कोई और मीडियम। ऐसा पर्टिकुलर सेक्शन जिसमें दो चार्जेस के बीच का पूरा स्पेस कोई एक मीडियम ऑक्यूपाई नहीं करता, एक से ज्यादा अलग अलग तरह का मीडियम ऑक्यूपाई करता, उसको बनाने के लिए एक टॉपिक है छोटा सा, दैट इज कॉल्ड एयर इक्विवेलेंस ऑफ एनी मीडियम। कॉन्सेप्ट ऑफ एयर इक्विवेलेंस ऑफ एनी मीडियम, कोई भी मीडियम का एयर इक्विवेलेंस, थोड़ा ऐसे समझना। मान लो जैसे हम लोगों के पास दो चार्ज पार्टिकल है Q1 और Q2, और जब इनके बीच एयर था तो सेपरेशन है R0 और इनके बीच लगने वाला फोर्स है 1/4πε0Q1Q2 / whatever be the separation उसका स्क्वायर। अगर दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स एयर में 1/4πε0Q1Q2 / r0 का स्क्वायर है। अब इसको किसी मीडियम में रखिए, ये हम लोग एयर में बात किए, अब हम लोग किसी मीडियम में बात कर रहे हैं। चार्ज पार्टिकल को किसी मीडियम में रखा गया Q1 Q2, ये मीडियम है और उनके बीच का सेपरेशन है R, तो अभी आप उनके बीच का फोर्स लिखते हैं 1/4πε0K Q1 Q2 / उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर मीडियम में डाल देंगे तो 1/4πε0K Q1 Q2 / r² होगा। अब एक लाइन सोच के बता, ये सेपरेशन अगर एयर के सेपरेशन के बराबर होता, ध्यान से हा? मान लो जैसे हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल है 10 मीटर सेपरेशन पे एयर में रखा है। अब अगर उन चार्ज पार्टिकल को 10 मीटर के सेपरेशन पे ही किसी मीडियम में डुबा दें तो फोर्स एयर से ज्यादा लगेगा या कम लगेगा उस मीडियम में? एयर से कम लगेगा फोर्स, करेक्ट ना, कोई दिक्कत नहीं। अब रिवर्स सोचो, रिवर्स अगर हम मीडियम में रखे हैं उसको 10 सेंटीमीटर पे और उनके बीच फोर्स लग रहा है और उसको एयर में निकाल दे तो 10 सेंटीमीटर पे फोर्स बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, बढ़ जाए। अब दूसरा, अब ध्यान से हाँ बिल्कुल सही, अब सुनो। अब अगर हम इनके बीच का सेपरेशन बढ़ाने लगे एयर में सेपरेशन बढ़ाने लगे तो कहीं एक बार ऐसा आएगा ना जहां पे फोर्स उतना ही होगा जितना मीडियम के अंदर 10 पे था। मीडियम में 10 सेंटीमीटर पे जो फोर्स है एयर में जाएगा तो 10 सेंटीमीटर पे फोर्स बढ़ जाएगा। तो अगर हम उनके बीच के डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो एयर में एक ऐसा सेपरेशन मिलेगा कि चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स उतना ही होगा जितना कि मीडियम के अंदर 10 सेंटीमीटर पे था। यस सर, सबको समझ में आया क्या लाइन बोले? Yes, sir. अब सुनो फाइनल, एयर के अंदर का वो सेपरेशन जो मीडियम के सेपरेशन पे जितना फोर्स क्रिएट हो रहा है उतना ही फोर्स एयर में क्रिएट करे, उसी डिस्टेंस को, उसी सेपरेशन को एयर इक्विवेलेंस ऑफ एनी मीडियम कहते हैं।
मीडियम के अंदर जितना फोर्स लग रहा है एयर में किस सेपरेशन पे रखे कि उतना ही फोर्स लगे, उसी को मीडियम का एयर इक्विवेलेंस कहते हैं। लाइन देखिएगा, हम लिख रहे हैं यहां पे क्योंकि इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से। सेपरेशन बिटवीन चार्जेस इन एयर व्हेन फोर्स बिटवीन देम इज सेम एज फोर्स बिटवीन देम इनसाइड मीडियम इज कॉल्ड एयर इक्विवेलेंस, उसको हम लोग एयर इक्विवेलेंस कहते हैं। सो मीडियम के अंदर का फोर्स और एयर का फोर्स बराबर, तो मीडियम के लिए हो गया 1/4 πε0 k Q1 Q2 r² और एयर के लिए हो गया 1/4 πε0 Q1 Q2 r0² जरा बात करना है, कैलकुलेशन है अपना 1/4 πε0 Q1 Q2 कैंसिल, 1/4 πε0 Q1 Q2 कैंसिल, नीचे में है 1/kr² और यहां है r0² तो क्या हम लिख सकते हैं kr² इज एक्चुअली r0² तो आप ऐसे याद रखिएगा कि r0 एयर के अंदर का डिस्टेंस इज एक्चुअली √k(r). कोई भी मीडियम जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है उसके आर सेपरेशन का एयर इक्विवेलेंस √kr होता है, √k(r), आर बाहर है, रूट से बाहर है। अब जरा इस पे एक छोटा छोटा एग्जांपल देखो तब तुमको एक टॉपिक ज्यादा क्लियर होगा। देखो मान लो जैसे तुम्हारे पास यहां एक चार्ज है 2 μC और एक चार्ज है 4 μC, इनके बीच 20 सेंटीमीटर तक एक मीडियम है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9 है और अगले 20 सेंटीमीटर तक एयर है। क्वेश्चन समझना ध्यान से, इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का टोटल डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर, जिसमें आधा डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर एक मीडियम ऑक्यूपाई किया है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9 है और आधा सेपरेशन एयर ऑक्यूपाई किया है। हम लोगों का काम है इनके बीच टोटल फोर्स निकालना। तुम्हारा काम यह होगा कि पहले आप मीडियम का एयर इक्विवेलेंस निकालें। फॉर मीडियम फाइंड एयर इक्विवेलेंस, पहले आप मीडियम का एयर इक्विवेलेंस निकाले। चलो इसके भी लिए सोचो, तो r0 इज √k(r), √9 और r के जगह पे 20 सेंटीमीटर तो ये 3 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई 60 सेंटीमीटर। फिर से सुनना समझना, एक ऐसा मीडियम जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9 है उस मीडियम में जो 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है वो एयर के 60 सेंटीमीटर के बराबर है। फिर से सुनो, एक ऐसा मीडियम जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9 है उसमें जो 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है वो एयर के 60 सेंटीमीटर के बराबर है। अब आप फिर से एक नया फिगर बना लीजिए, आप देख लीजिए दो चार्ज पार्टिकल्स, वही दो चार्ज पार्टिकल 2 μC एंड 4 μC, लेकिन अब आप पूरे के पूरे स्पेस में एयर मानिए, लेकिन अब आपका सेपरेशन 20 और 20 40 नहीं होगा, सेपरेशन तुम्हारा 60+20 = 80 होगा। क्या ये समझा? यस सर। 60 कहां से आया? एयर इक्विवेलेंस।
एयर इक्विवेलेंस उस मीडियम का जिसका के वैल्यू 9 था, और फिर प्लस 20 क्यों आया? जो एयर का पहले से, जो एयर का पहले से था, ठीक है। अब आप मान के चलिए कि एयर है और सेपरेशन 80 सेंटीमीटर है, और फोर्स निकाल दीजिए 1/4 pi epsilon naught 2 microcoulomb 4 microcoulomb, लेकिन सेपरेशन में ले लेना 80 सेंटीमीटर का मीटर 0.8 का स्क्वायर। देखो एयर मान के बना दिए, लेकिन सेपरेशन अब 80 सेंटीमीटर लेके बनाना होगा। क्या ये लॉजिक समझ में आया? Yes, sir. हर कोई इसको अच्छे से देख लीजिए, कहीं डाउट है पूछ लीजिए बढ़िया से, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, हाँ, स्कूल का टॉपिक नहीं है, कॉम्पिटिशन में इससे क्वेश्चन होता है। यहां पे 3 माइक्रोकुलम, ये हम लोग का 6 माइक्रोकुलम, इसमें दो अलग अलग मीडियम है, एक जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9 है और दूसरा जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 16 है। 9 वाले के अंदर 40 सेंटीमीटर का गैप है और 16 वाले के अंदर 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। फाइंड फोर्स बिटवीन चार्जेस, चार्जेस के बीच का फोर्स निकालो। चलो सॉल्व करो। बोलो एयर इक्विवेलेंस कितना? 120 और 200। बिल्कुल सही, बस उस सेपरेशन को लेके एयर लेके बना देना, सही ना? यस सर। वेरी गुड। चलो सबको ही ट्राई करो। एयर इक्विवेलेंस देखो इसका कितना आया, क्या ये 120 आ रहा है? यस सर 120। और क्या ये 200 आया? 200। तो टोटल सेपरेशन हो गया 120 प्लस 200 इज 320 सेंटीमीटर, तो 3.2 मीटर। और उसके बाद लेके सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके चलो बहुत बढ़िया। देखो यहां ध्यान से एक लाइन में बना देते हैं। एयर इक्विवेलेंस 1 हो गया रूट अंडर के इंटू आर नॉट हो गया 1 के इंटू 40, तो ये आप सॉल्व किए तो 120 सेंटीमीटर आ गया, और आर नॉट 2 हो गया हम लोगों का रूट अंडर 16 इंटू 50, इसको सॉल्व किया आप 200 आ गया। फिर आप चार्ज पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन 120 प्लस 200 लिखे, दिस इज 320 सेंटीमीटर। अब बाकी दोनों चार्जेस लेके आप अपना न्यूमेरिकल, बीच में कौन सा मीडियम माने? एयर, एयर लेके सॉल्व कर दीजिए आपका आंसर। चलो यही था एयर इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट, एकदम सही, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू क्या लेंगे? 9 × 10⁻¹⁹ ओके 9 × 10⁻¹⁹ सेंटीमीटर को मीटर। बिल्कुल बिल्कुल, आप लास्ट ईयर का कॉपी देखिएगा ना, तो 9 × 10⁹ लिखने के लिए सभी क्वांटिटी एसआई में होना चाहिए, तो आप 320 सेंटीमीटर नहीं लेंगे, मीटर बदल लेंगे 3.2, और तब यूज करेंगे चार्जेस को कुलम में। हाँ, माइक्रो को हटा के 10⁻⁶ लगाएंगे, माइनस सिक्स। चलो आगे बढ़ते, अभी हम लोग है ना कुलम्स लॉ का एक वेक्टर फॉर्म देखेंगे कि कुलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है, ठीक है। जरा गौर करना इस डायग्राम पे, ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें हम लोगों के पास दो चार्ज पार्टिकल है, दिस चार्ज इज Q1 एंड दिस चार्ज इज Q2। विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन इसका पोजीशन वेक्टर है R1 और इसका पोजीशन वेक्टर है R2। अब देखिए इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला जो कुलम्स फोर्स है, सपोज आप 1 पे 2 के कारण फोर्स ले रहे हैं, देन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, और अगर 2 पे लिखना पड़े देन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1। सही है क्या? फिगर समझ में आया? दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 हैविंग पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2, अगर हम 1 पे फोर्स लिखेंगे तो 2 उसको रिपेल कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2,
और अगर टू पे लिखना हो, कोई एक लेके काम करेंगे दूसरा उसके, तो टू पे अगर काम करना हो तो फोर्स एक्टिंग ऑन टू ड्यू टू वन, कोई भी। चलिए हम लोग मानते हैं ऐसा, वीडियो कंसिडरिंग फोर्स F12, चलो F12 को लेके चलते हैं। अब अगर आप फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू लेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड होगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, सही है। लेकिन अगर आप इसका डायरेक्शन बनाना चाहते हैं, वेक्टर लिखना चाहते हैं, तो ये तो उसका मैग्नीट्यूड हुआ। डायरेक्शन के लिए ध्यान दो, वन का पोजीशन टू के रिस्पेक्ट में, क्या दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू है? यस सर, ये वन का पोजीशन टू के रिस्पेक्ट में। जरा वर्क करना थोड़ा सा ध्यान से, इस फोर्स का डायरेक्शन इस वेक्टर के डायरेक्शन में है, सही। जो मेरे वेक्टर का डायरेक्शन होता है वही उसके यूनिट वेक्टर का भी डायरेक्शन होता है, आर कैप करेंट जा रहे हैं। अगर मेरा ये फोर्स एक्स एक्सिस की तरफ होता, तो हम लोग यहां आई कैप लगाते, अगर वाई एक्सिस की तरफ होता तो जे कैप, और अगर जेड एक्सिस की तरफ होता तो के कैप लगाते। बट तुम्हारा ये फोर्स एक्स में, वाई में या जेड में नहीं है, तुम्हारा ये फोर्स एक्चुअली इस पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में है, सो हम लोग यहां बगल में लगाएंगे आर कैप, आर कैप, ठीक है, पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर आर कैप, क्योंकि तुम्हारा फोर्स उसी डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है। तो आप यहां पे डायरेक्शन मेंशन करने के लिए आप यहां लगाइएगा आर कैप, नाम होगा वन टू। नाउ इट इज अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ये डायरेक्शन ये है। अब इसी को हम लोग है ना एक्सप्लेन करके बड़ा करके लिखेंगे, एक एक टर्म को तोड़ तोड़ के चलेंगे। जरा गौर करना, अगर हम लोग कोई भी यूनिट वेक्टर लिखते हैं तो लिखने का तरीका होता है उस वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, याद है आपको? यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। सो अगर हम फोर्स लिखते हैं वन ड्यू टू टू, देन इट इज के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई पोजिशन वैक्टर, यहां पे होगा हम लोगों का वैक्टर ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू बाई मॉड ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू। थोड़ा और इसको आगे बढ़ाओ, यहां पे जो टर्म लिखा है ना वो मैग्नीट्यूड का ही स्क्वायर है, ये पोजिशन वैक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। तो आप जो लिखते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू, देन इट इज के क्यू वन क्यू टू, जरा ध्यान दीजिएगा आप नीचे, यहां पे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और यहां मैग्नीट्यूड है, तो क्या ये ओवरऑल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वन टू का क्यूब हुआ, यहां स्क्वायर और यहां एक और? यस सर। और ऊपर में मल्टीप्लाई है आर वन टू, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में जैसे न्यूमेरिकल आएगा वो हम लोग आगे करेंगे, लेकिन ये डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसी पे थोड़ा और काम करो। Now, for force acting on two due to one, जब आप फोर्स एक्टिंग ऑन टू निकालेंगे ड्यू टू वन, देन इट विल बी इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू। अपने से बोलने के लिए तैयार रहिएगा, बताइए यहां कौन सा पोजिशन वैक्टर लेंगे? आर टू वन लेंगे, उसका क्यूब और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? आर टू वन से। तो ये आ गया आपका फोर्स। अब इसको यूज करने में बस एक लाइन याद रखना, इसके लिए आप थोड़ा सा ट्रायंगल लॉ यूज कर लीजिए, हम लोग कभी पहले पढ़ के रखे हैं, सिंस बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ। याद रखना यहां तीन वेक्टर है, ये मेरा आर वन वेक्टर, ये मेरा आर टू वेक्टर और ये मेरा R12 वेक्टर। इस फिगर को देखो, यहां ट्रायंगल को R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, ये R12 वेक्टर, यहां ट्रायंगल। तो अगर तुमको कभी ट्रायंगल यूज करना पड़ा, जरा सब कोई इस वेक्टर को, R2 वेक्टर को किसके साथ जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा? R12 वेक्टर के साथ
बिल्कुल सही। तो R2 वेक्टर को जब आप R12 के साथ जोड़िएगा तो वो R1 के बराबर होगा। Therefore, R12 is actually equals to R1 minus R2। जब कभी भी तुमको पोजीशन वेक्टर का जरूरत पड़ेगा 1 2 का R1 में से R2 माइनस कर लेना। सिमिलरली R21 का, हाँ सिमिलरली अगर R21 का जरूरत पड़ेगा तो R2 में से R1 को माइनस कर लेंगे। करेक्ट है? यस सर। चलिए ठीक है, इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए। अब इसके बाद न्यूमेरिकल इसका करते हैं। ये हम लोगों का वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कहीं कोई डाउट होगा पूछ लेना, कहां कैसे आया। कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो चार्ज Q1 और Q2 लिए, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर R1, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर R2। हम लोग का काम यह था कि हम लोग किसी एक चार्ज पे दूसरे की वजह से फोर्स लिखें। अगर हम लोग फोर्स वन पे लिखते हैं टू की वजह से तो देन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू, ये टू इसको रिपेल कर रहा उधर। सिमिलरली अगर ये लिखना चाहेंगे तो ये इसको रिपेल कर रहा। कोई एक पे आप काम करेंगे दूसरा उसके बेसिस पे लिख देते। तो हम लोग क्या किए, हम लोग फोर्स वन टू पे काम अपना स्टार्ट किए। अगर हम फोर्स वन पे टू के कारण लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड होगा के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। अब इस पे डायरेक्शन देना था, देखो स्टार्टिंग डिस्कशन इस पे हो रहा था, इस पे हम ये बता रहे थे यहां पे कि अगर तुम्हारा फोर्स एक्स एक्सिस की तरफ होता तो आप आई कैप लगाते, वाई होता तो जे, जेड होता तो के एंड सो ऑन। लेकिन तुम्हारा ये फोर्स एक्स वाई या जेड में नहीं है। अरे वो भी होगा, कभी होगा तो वहां लगा लेंगे आई कैप। अभी तुम्हारा फोर्स किधर है, तो जो तुम्हारा पोजिशन वैक्टर है वन टू का उसी के डायरेक्शन में फोर्स है, तो आप इसी का यूनिट वेक्टर लेते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर। अब आखिर हम लोग यूनिट वेक्टर लिखते कैसे हैं, तो वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो जहां मेरा R12 का कैप था वहां ये आ गया। अब नीचे देखो ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये मैग्नीट्यूड है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन मैग्नीट्यूड का क्यू हो गया। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली जब आप 2 पे 1 के कारण फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो जहां पोजीशन वेक्टर 1 2 का आ रहा वहां 2 1 आएगा, यहां 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 यहां। अब आखिर हम पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, हम 1 2 का या 2 1 का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, तो 11 का ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। अगर 1 2 का पोजीशन वेक्टर लिखना है तो आर वन जो पोजीशन वेक्टर है उसमें से आर टू माइनस कर लो, और अगर टू वन का लिखना है तो आर टू में से आर वन माइनस करो। ठीक है, अब आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं, ये और क्लियर होगा। समझ में आया, जिनका डाउट था समझ में आया। चल आगे क्वेश्चन है, देख टू माइक्रो कूलम्ब, ब्रैकेट में कोऑर्डिनेट लिखा है टू थ्री फोर एंड सिक्स माइक्रो कूलम्ब, कोऑर्डिनेट लिखा है माइनस वन टू एंड फाइव। फाइंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन टू माइक्रो कूलम्ब अलोंग एक्स एक्सिस। दो पॉइंट चार्ज है, टू माइक्रो कूलम का है और सिक्स माइक्रो कूलम। देखिए हम क्वेश्चन सॉर्ट करके लिखते हैं, ठीक है, मतलब आप बुक पढ़िएगा तो इसी को बहुत अच्छा से कहानी बना के लिखा रहता है, लेकिन अब उतना समय नहीं रहता, टाइम पास करने का जरूरत नहीं है। हम सॉर्ट में लिख दिए, टू माइक्रो कूलम कोऑर्डिनेट, सिक्स माइक्रो कूलम कोऑर्डिनेट। ओके, आपको क्या करना है, उनके बीच जो टू माइक्रो कूलम पे फोर्स लग रहा है उसको उसका हमको एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है। तो देखो ये तरीका है, आपको अपने से इसमें चार्जेस सपोज करना पड़ेगा। देखो Q1 लिख दिया हम लोग 2 माइक्रो कूलम, तो क्या हम लोग उसका पोजीशन वेक्टर देख के बोलो, पोजीशन वेक्टर बोलो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। इसी तरह हम लोग Q2 लिख दिए हैं 6 माइक्रो कूलम, तो इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग लिखेंगे माइनस वन आई कैप टू जे कैप प्लस फाइव के कैप। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए सोच के बताइए, फोर्स वन टू का निकालना है या फिर फोर्स टू वन का निकालना, दिस यू हैव टू डिसाइड। ओके,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वन टू पे फोर्स निकालना या टू वन पे? बिल्कुल सही, वन टू पे निकालना है इसको नहीं, ठीक है। तो अब आप क्या करें, अपना जो पढ़े अभी आप सबसे पहले पोजीशन वेक्टर वन टू फाइंड आउट कर लें, आर वन में से आर टू माइनस। तो आर वन था हम लोगों का टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, इसमें से माइनस करना है माइनस आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस फाइव के कैप। सो आर वन टू इज इक्वल्स टू, आर वन टू इज इक्वल्स टू दो में से थ्री आई कैप बोलते जाओ जी प्लस जे कैप माइनस के कैप। चलो ये आर वन टू भी आ गया। सिंस हम लोग इक्वेशन पढ़े हैं कि अगर हमको फोर्स चाहिए वन पे टू के कारण, तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R12 का क्यूब मल्टीप्लाइड विद वेक्टर R12। सो जस्ट गो थ्रू कैलकुलेशन, K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 का वैल्यू 2 माइक्रो कूलम 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, Q2 का वैल्यू 6 माइक्रो कूलम 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। नीचे हम लोगों को मैग्नीट्यूड लिखना है थ्री आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, हाँ बिल्कुल सही कर लेंगे अभी, और मल्टीप्लाई करना है थ्री आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप वेक्टर से। सी दैट 9 टू 18, 18 का 6 से मल्टीप्लीकेशन 108। सो योर कैलकुलेशन इज लाइक दैट कि फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 इज 108 इंटू 10 टू द पावर 10 पावर कितना जी माइनस 3 हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड आप निकाले रूट अंडर थ्री स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर 11, रूट अंडर 11, यस सर 11 का रूट का क्यूब, 11 के रूट का क्यूब, तो 11 पे पावर 3 बाई 2 मल्टीप्लाइड विथ थ्री आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अब जरा क्वेश्चन का आंसर बताओ, कोई क्वेश्चन में पूछा है तुमको बस फोर्स वही बताना है जो एक्स एक्सिस के अलोंग में है, तुमको बस वही फोर्स बताना है जो एक्स एक्सिस के अलोंग में, बोलो 324 इंटू 10 के पावर माइनस 3 बाय रूट 11 का क्यूब। बिल्कुल सही सही। अब देखिए सबको थोड़ा तोड़ तोड़ के देख लेते हैं। आपको अगर एक्स में केवल फोर्स बताना है, फोर्स अगर आपको केवल एक्स में बताना है तो इतना इंटू एक्स 108 into 10 to the power minus 3 by 11 पे power 3 by 2 multiplied with 3 i cap, ये तुम्हारे x का force है। अगर तुमसे question में y का force पूछ लेता तो 108 into 10 to the power minus 3 divided by 11 पे power 3 by 2 बोलो multiplied with 1 j cap, और z में जो force लग रहा है और जेड में जो फोर्स लग रहा है वो उसके पॉजिटिव जेड की तरफ लग रहा है या निगेटिव जेड की तरफ? निगेटिव जेड, क्योंकि यहां पे लगा हुआ माइनस, करेक्ट है। तो दिस इज एडवांटेज ऑफ वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में बनाने से मैग्नीट्यूड भी आता है और प्रॉपर डायरेक्शन भी मिलता है, इवन हर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स होगा वो भी तुमको पता चलता है, ठीक है। तो चीज है ना इस तरह से चलता है, इसको अच्छे से देखिए, कहीं डाउट है पूछ लीजिए, नहीं तो कॉपी कीजिए आगे बढ़ेंगे। एक मिनट, यही तो सही है, यही तो सही है, मल्टीपल है। हाँ चलो ये सही है, वो हम लोग लास्ट ईयर में न्यूटन का थर्ड लॉ करके देख लिए थे कि फोर्स वन टू बोलो या फोर्स टू वन बोलो बोथ आर सेम, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अपोजिट। सो एफ वन टू वैक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ टू वन वैक्टर। बिल्कुल सही, मैग्नीट्यूड सेम। थर्ड में दिया हुआ है F21 इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R21 इनटू R21 का वेक्टर यूनिट वेक्टर। नीचे दिया हुआ है नहीं, नीचे में वेक्टर का क्यूब रहेगा या फिर एन स्क्वायर रहेगा, तो तुम समझ सकता है कि राइट हैंड साइड में लिखा हुआ टर्म वैसा रहेगा, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा, कोई इशू है नहीं, वो मिसप्रिंट है और ज्यादा कुछ नहीं। अभी हम ध्यान से समझो,
ये पूरा का पूरा डिस्कशन जो अभी तक आप किए ना, दिस इज ऑल अबाउट कुलम्स लॉ एंड कुलम फोर्स एक्सेट्रा, ये सब चल रहा है। नाउ थिंक हम लोग है ना इस टॉपिक से थोड़ा एक स्टेप आगे निकलते हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। जितना भी फील्ड फोर्स है जो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे होते हैं, जैसे कि आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया गया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो चार्जेस के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो एक फील्ड फोर्स है। फील्ड फोर्स हमेशा दो स्टेप में काम करता है, फील्ड फोर्स का वर्किंग दो स्टेप में होता है। फील्ड इज फॉर्म्ड बाई सोर्स, ये पहला स्टेप है जिसमें कोई सोर्स होगा जो अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है, ठीक है, कोई एक सोर्स होता है जो अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है, और फिर जाके सेकेंड स्टेप में फोर्स और इफेक्ट विल बी एक्सपीरियंस बाई टेस्ट। फील्ड बनाता है सोर्स, और उस सोर्स के फील्ड की वजह से अगर उसमें कोई दूसरा टेस्ट मौजूद है, कोई भी दूसरा चार्ज है, ग्रेविटेशन है तो मास है, कोई भी दूसरा टेस्ट चार्ज या टेस्ट मास मौजूद है, तो वो सोर्स की वजह से बनाए गए फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है या इफेक्ट एक्सपीरियंस करता है। मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो अभी देखो हम लोग है ना ग्रेविटेशन वाला को बार बार नहीं लेंगे, ठीक है, अपना पूरा ध्यान हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पे लगा के रखेंगे। अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में किसी एक चार्ज Q2 पे फोर्स पड़ते हैं, फिर से सुनना ध्यान से, अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में किसी एक चार्ज Q2 पे फोर्स पड़ते हैं तो Q2 के ऊपर फोर्स Q1 के फील्ड की वजह से लगता है। फील्ड कौन बना के रखा है? Q1। फोर्स किस पे लग रहा है? Q2 पे। सिमिलरली अगर Q1 पे हम लोग फोर्स डिस्कस करते हैं तो उस पे लगने वाला फोर्स Q2 के फील्ड की वजह से होता है, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल जिस पे आप फोर्स पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली फोर्स किसी दूसरे चार्ज के फील्ड की वजह से होता है। ऐसा थ्री डायमेंशनल रीजन जो किसी चार्ज के चारों तरफ बना रहे जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आए तो पहले चार्ज की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करे, उस थ्री डायमेंशनल रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट ऐसा कि मानो यहां पे एक चार्ज है उसका नाम है क्यू एस, एस यहां स्टैंड करता है सोर्स के लिए, यहां से लेके थ्री डायमेंशनल रीजन में ये पूरा का पूरा रीजन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। और बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है तो ये हम लोगों का सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज। एक ऐसा थ्री डायमेंशनल रीजन किसी सोर्स चार्ज के चारों तरफ जिसमें अगर कोई दूसरा आ जाए, मान लो जैसे ये आ गया तो ये इस चार्ज की वजह से, ये एक चार्ज है मान लो स्मॉल क्यू, तो सोर्स की वजह से ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर ये प्लस है तो रिपल्सन। इसी तरह कोई और चार्ज आ गया, मान लो ये चार्ज आ गया माइनस आ गया क्यू, तो इसकी वजह से अट्रैक्शन। कुछ क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन। मान लीजिए मेरे पास क्यू वन और क्यू टू दो चार्ज है तो क्यू टू पे फोर्स पड़ रहे हैं तो फील्ड किसका है? क्यू वन का। और अगर Q1 पे फोर्स पड़ रहे हैं तो फील्ड किसका है? Q2 का। अगर हम लोग स्मॉल Q के ऊपर फोर्स पड़ रहे हैं तो फील्ड किसका है? कैपिटल Q। समझ में आया? जो चार्ज फील्ड बना रहा है उसी को हम लोग है ना सोर्स लेते हैं, और दूसरा जिस पे फोर्स लग रहा है वो टेस्ट है।
टेस्ट, ये भी टेस्ट। अब एक लाइन और भी उठता है कि सर किसी चार्ज का फील्ड कहां से कहां तक होता है। देखो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक वर्ड है, उसको हटा देते हैं अभी, हाँ बाद में पढ़ लेंगे, उसको अगर छोड़ दीजिए तो चार्ज से स्टार्ट होके उसका फील्ड इंफिनिटी तक होता है। कोई भी चार्ज से स्टार्ट होकर उसका फील्ड इंफिनिटी तक होता है, लेकिन जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाइएगा, अपने से सोचिए फील्ड स्ट्रांग होगा या वीक, वीक हो जाएगा। दिस इज प्रैक्टिकल थिंग्स, इस सब में कोई ज्यादा नहीं, आगे तो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन ये अपना बाई नेचर है कि आप किसी चार्ज से जितना दूर रहिएगा उसका फील्ड उतना ही वीक होगा, और चार्ज के जितना नजदीक रहिएगा फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। ठीक है, अब यहां पे बात एक उठता है ऐसा कि आखिर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कैसे करें, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कैसे करें। तो उसका तीन तरीका है, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यूज कर सकते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ई के ऊपर एरो से रिप्रेजेंट होगा। दूसरा, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वी से रिप्रेजेंट होगा, ये एक स्केलर है, याद रखना फर्स्ट वाला वेक्टर है। और थर्ड है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये ग्राफिकल मेथड है, मतलब ग्राफ बना के हम लोग या लाइन खींच के हम लोग बताएंगे कि फील्ड कहां स्ट्रांग है कहां वीक है। ठीक है, ये तीन क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को मेजर करने में हेल्प करता है। हम लोगों को एक एक करके डिस्कस करना है, तो आज के टॉपिक में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ सी दैट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी सोर्स चार्ज का जब आप किसी पॉइंट पर मेजर करना चाहते हैं तो यू हैव टू डू सम एक्सपेरिमेंट स्टेप्स। आपको वहां एक छोटा सा चार्ज रखना पड़ेगा जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं, फिर उस टेस्ट चार्ज पे आप फोर्स निकालिए, जब आप उस फोर्स का पर यूनिट टेस्ट चार्ज वैल्यू निकालते हैं तो जो वैल्यू आता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। मीनिंग समझना थोड़ा सा, देखो डेफिनेशन है हम लिखा देंगे, लेकिन अभी आप है ना पहले इसका मीनिंग समझ। मान लीजिए जैसे मेरे पास ये क्यू है, ये सोर्स है, ये सोर्स है, और हम यहां से आर डिस्टेंस अवे इस पॉइंट पे चाहते हैं, इस पॉइंट पे चाहते हैं फील्ड के इंटेंसिटी को मेजर करना, यहां पे पी पॉइंट पे चाहते हैं फील्ड इंटेंसिटी निकालना। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक स्मॉल टेस्ट चार्ज रखना होगा। जब आप वहां एक स्मॉल टेस्ट चार्ज रखिएगा ऑन स्मॉल टेस्ट चार्ज, जो फोर्स लग रहा है क्या उस फोर्स को लिख सकते हैं 1/4πε0 सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। नाउ द डेफिनेशन कम्स इन प्ले एंड द डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, एंड देयर इज सम मैथमेटिकल ट्विस्ट, लिमिट टेस्ट चार्ज टेंड्स टू जीरो। हम लोग सब इसका एक्सप्लेनेशन देंगे, अभी आपको एक एक वर्ड समझाएंगे, बस आप अभी डेफिनेशन देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज प्रोवाइडेड दैट टेस्ट चार्ज इज वेरी वेरी स्मॉल। दैट वर्ड प्रोवाइडेड टेस्ट चार्ज इज वेरी वेरी स्मॉल, उसके जगह पे लिखा है लिमिट क्यू टेंड्स टू जीरो, क्यू टेंड्स टू जीरो। ठीक है, दिस इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो आपको कॉपी नोट्स मिलेगा उसमें ये दिया हुआ है, लिखा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज प्रोवाइडेड दैट टेस्ट चार्ज इज वेरी वेरी स्मॉल। क्लियर है?
यहां पे थोड़ा यूनिट पे काम कर लो, ई हैव यूनिट, उसका यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम, आगे जाके हम लोग पढ़ लेंगे, इसको हम लोग वोल्ट पर मीटर भी कहते हैं, वोल्ट पर मीटर भी। दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग फेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, कोई डाउट है तो बात करें। इसमें हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे, अभी अगला पार्ट इसी पे चलेगा, देख लो कहीं। हाँ एकदम सही, बस 10 मिनट वेट कीजिए, पहुंच जाएंगे। और आगे चार्ज अच्छा, एक चीज यहाँ पे थोड़ा एक चीज यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा समझना, आप ही के एडवांटेज के लिए जरा ध्यान से देखिएगा। मान लो हम लोगों के पास Q1 और Q2, अभी आप इसका आंसर भी बता दिए थे। इफ Q2 एक्सपीरियंस फोर्स then field of Q1 is considered, क्या सही है ना? Yes sir. And reverse is also true. And reverse is also true. क्या आप इस लाइन से एक मीनिंग निकालो? कोई भी चार्ज सोर्स और टेस्ट अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस द फोर्स और क्रिएटिंग फील्ड पे डिसाइड होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि Q1 जिंदगी भर सोर्स ही रहेगा और Q2 हमेशा टेस्ट रहेगा, नहीं। अगर आप Q2 पे फोर्स पढ़ रहे हैं तो Q1 सोर्स है, और यही रिवर्स कर दे, अगर Q1 पढ़ने लगे, Q1 पे फोर्स पढ़ने लगे तो कौन सोर्स हो जाए? Q2 सोर्स हो जाए, ठीक है? तो दैट ऑल डिपेंड्स कि आप डिस्कशन कैसे कर रहे हैं, क्लियर है? अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे, चलो भाई आगे देखो। देखिए मान लीजिए जैसे आपके पास है फॉर एनी पॉइंट चार्ज, हमारे पास है यहां एक क्यू है, हम यहां पे एक क्यू रख के इस ये सोर्स है, और इस सोर्स से आर डिस्टेंस अवे इस पॉइंट पे ई का मेजरमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए आप यहां पे एक स्मॉल क्यू रखें, तो आपके पास ई का वैल्यू आ गया F/Q, दिस इज मैग्नीट्यूड। तो जैसे ही आप E निकालना चाहेंगे, फोर्स आप लिखेंगे 1/4πε0Q³/R², और नीचे की स्मॉल क्यू से डिवाइड, ये स्मॉल क्यू कट गया, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया 1/4πε0 सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। कोई भी पॉइंट चार्ज अगर है, कोई भी एक पॉइंट चार्ज अगर है, मान लो जैसे एक एग्जांपल देखो, हम लोग के पास एक 3 माइक्रो कूलम का चार्ज है, और हम लोग यहां से 5 मीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो आपको बस सिंपली दिस इक्वेशन शुड बी यूज्ड। अच्छा, 1/4π आप सिलेंड नॉट की जगह क्या लिख ले, सही है? तो आप अगर ई लिखना चाहें तो सीधा लिखिए K³/R², और आपके K का वैल्यू हो गया 9×10⁻⁹, Q का वैल्यू हो गया 3 माइक्रो कूलम, और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो हो गया 9327, और नीचे 5 × 5 = 25, 27/25×10³ N/3 N/C, दिस इज योर आंसर, ठीक है? अब देखो एक छोटा सा चीज था, ये मैग्नीट्यूड निकाला गया अच्छे से, अब हम दो तीन चीज का मीनिंग क्लियर करते हैं आपको, उसको ध्यान से देखिएगा। ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ ई ऑफ एनी सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज मस्ट बी वेरी स्मॉल,
देखो जैसे उमंग बोल रहा था कि टेस्ट चार्ज काफी छोटा होना चाहिए, अब इसके पीछे का लॉजिक समझ। नेचर कहीं नहीं बोला है कि एक चार्ज फील्ड बनाएगा तो दूसरा फील्ड नहीं बनाएगा, हर चार्ज अपना अपना फील्ड बनाएगा। आपको डिसीजन लेना है कि आपको फील्ड किसका मेजरमेंट करना है। अभी सुनिए, मान लीजिए अगर हम 3 माइक्रोकूलम का फील्ड यहां मेजर करना चाहते हैं और हम यहां भी एक बड़ा सा चार्ज 5 माइक्रोकूलम का रख दें तो 5 माइक्रोकूलम भी अपना फील्ड बना देगा। यस सर, 3 माइक्रोकूलम का जो फील्ड है 5 माइक्रोकूलम का फील्ड है, दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर जाएगा, तो आपको 3 माइक्रोकूलम का एक्चुअल फील्ड स्ट्रेंथ पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम इस जगह पे 0.001 माइक्रोकूलम रख के मेजरमेंट करें तो 0.001 माइक्रोकूलम भी अपना एक फील्ड बनाएगा, लेकिन वो इतना वीक होगा कि हम लोग 3 माइक्रोकूलम का एक्चुअल फील्ड मेजर कर पाएंगे। तो देखो लाइन ऐसा है ना, लाइन ऐसा है कि ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज मस्ट बी वेरी स्मॉल सो दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। आप एक्यूरेट मेजर करें। अब यहां भी है ना, दो चार अच्छा क्वेश्चन बनता है, थोड़ा ध्यान से सुनना, थ्योरेटिकल है लेकिन क्वेश्चन बनता है अच्छा। देखो अगर टेस्ट चार्ज बड़ा हुआ, पहले तो ये देख लो कि अगर टेस्ट चार्ज इज स्मॉल, अगर टेस्ट चार्ज स्मॉल है तो क्या होता है समझिएगा। थ्योरी से जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आता है और ऑब्जर्व जो वैल्यू होता है वो बराबर होता है। थ्योरी से आ गया, मान लो जैसे इसको सॉल्व किया, थ्योरिटिकल इतना आया ना, थ्योरिटिकल इतना आया, ये थ्योरी से निकला हुआ चीज। अब आप एक बार मेजर कर रहे हैं 0.001 माइक्रोकूलम रख के, तो जो वहां इक्विपमेंट लगा के मेजरमेंट कीजिएगा फील्ड का, नापिएगा ना फील्ड मेजर करने का चीज, तो जब आप उसको मेजर कीजिएगा तो थ्योरी का वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू दोनों सेम आए। लेकिन लेकिन अगर टेस्ट चार्ज, इफ टेस्ट चार्ज इज लार्ज, अगर टेस्ट चार्ज लार्ज हो गया तो याद रखना कि थ्योरी से जो फील्ड आया और जो वहां फील्ड आप ऑब्जर्व करेंगे वो सेम नहीं होगा। ऑब्जर्व वैल्यू अलग आएगा, थ्योरिटिकल वैल्यू अलग आएगा, ठीक है। थ्योरी से आप इतना निकाले और आप यहां मेजरमेंट में एक बड़ा सा चार्ज यूज कर लिए तो आपकी जो ऑब्जर्व वैल्यू आएगा वो डिफरेंट आएगा। अब डिफरेंट में भी स्टूडेंट कंफ्यूज कि सर ज्यादा आएगा कि कम आएगा, दैट डिपेंड्स ऑन टेस्ट चार्ज साइन एंड सोर्स चार्ज साइन, वो साइन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। ई ऑब्जर्व मे बी ग्रेटर और लेस देन ई थ्योरी डिपेंड्स ऑन साइन, यहां पे जगह नहीं है यहां लिख देते हैं, डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ चार्ज, ये साइन के चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर छोटा लीजिएगा तो जो थ्योरिटिकल है और जो ऑब्जर्व वैल्यू है दोनों सेम ही आएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, कहीं कोई डाउट है पूछ लो। अब कुछ पॉइंट्स इसके न्यूमेरिकल लिखो। सबसे पहला पॉइंट चार्ज, कोई भी पॉइंट चार्ज हो, अभी आप देख चुके हैं कि अगर पॉइंट चार्ज क्यू है तो यहां से आर डिस्टेंस अवे ई फील्ड का वैल्यू होता है 1/4πε0Q/r2। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ बैटरी, थोड़ा इस पे काम करो। देखो हम लोग अभी देखे थे E इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू, E इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू, समझना जरा ध्यान से। आपके E का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन है अगर आप टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेते हैं,
आप सोचिएगा जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है वहां पे प्लस चार्ज रखा हुआ है, अगर प्लस चार्ज रखा हुआ है तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही ई का डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ ई इज सेम एज एफ एज्यूमिंग क्यू प्लस, आप क्यू पॉजिटिव लें, वैसे भी टेस्ट चार्ज हमेशा प्लस ही लिया है, आपको अगर टेस्ट चार्ज एज्यूम करना है ना तो उसको हमेशा प्लस ही एज्यूम करना है, ठीक है। अब यहां पे इसका मीनिंग क्या है ये समझो, देखो जरा ध्यान से, मान लो जैसे हम लोग के पास ये एक सोर्स चार्ज है प्लस, और आपसे कोई बोल दिया कि यहां पे इस पॉइंट पे ई का डायरेक्शन बनाओ, ई का डायरेक्शन आपको बनाना है। अब सोचिए ये पॉजिटिव है और आप यहां एक प्लस माने हैं तो ये प्लस प्लस को रिपेल करेगा ना, यस सर। तो जो हमारे फोर्स का डायरेक्शन है याद रखना ई का डायरेक्शन वही है, आउटवर्ड डायरेक्शन बस। तो इसी को हम लोग शॉर्ट में दो वर्ड से लिखते हैं, जो एकदम सही बोले वही आगे हम लोगों को सीखना है, कि हमेशा ध्यान रखना कि अगर पॉजिटिव सोर्स चार्ज हुआ, पॉजिटिव सोर्स चार्ज हुआ तो याद रखना ई इज रेडियली आउटवर्ड, ई जो है वो रेडियली आउटवर्ड होगा एंड इफ निगेटिव सोर्स चार्ज, अगर तुम्हारे पास निगेटिव सोर्स चार्ज है ई इज रेडियली इनवर्ड होगा। चलिए एग्जाम्पल देखिए और समझिए ध्यान से, यहां पे चार्ज है, नाम है Q1 पॉजिटिव, यहां पे चार्ज है, नाम है Q2 पॉजिटिव, यहां पे चार्ज है, नाम है Q3 नेगेटिव, ठीक है, और यहां एक चार्ज है, नाम है Q4 पॉजिटिव, ये ओरिजिन है। X axis, this one is y axis, this one is x axis, this is negative x and so on, जैसे आप जानते हैं। सोच के बताइए ओरिजिन पे वन का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ओरिजिन पे Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड इनवर्ड से इस बार नहीं होगा, आपको एक्सिस बताना होगा, x axis, y axis like that। Y एक्सिस या निगेटिव Y एक्सिस, निगेटिव Y एक्सिस, ये प्लस है ना, तो आपको अवे बनाना है, टूवर्ड्स नहीं अवे, समझ में आ रहा है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज है ये प्लस है तो रेडियली आउटवर्ड अवे, तो वन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नीचे है, दिस इज ई वन, समझ में आया क्या, सोच के बताओ टू का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां किधर है, वाई या निगेटिव वाई, अरे यार ये प्लस है, ये प्लस अगर है तो अवे बनाएगा तो निगेटिव वाई ना आएगा, बहुतों को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जो लोग पॉजिटिव वाई बोल रहे हैं वर्ड्स पे ध्यान दो, यहाँ फिर से बता देते, हाँ ठीक है बता देते हैं, फिर से बता देते, देखो इसको इसको यहाँ एक्सप्लेन करते हैं, अगर मेरे पास प्लस क्यू है और आप किसी भी पॉइंट पे फील्ड बनाते हैं इससे दूर बनाइए, यहां बनाना है इससे दूर बनाइए, मान लीजिए ये पी वन है तो ये ई वन है, या अगर पॉइंट पी टू है तो ये ई टू है, मतलब अगर प्लस चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है तो अवे बनाना है, और इस पॉइंट को देखो अगर मेरे पास कोई माइनस चार्ज है तो किसी भी पॉइंट पे फील्ड बनाएंगे तो टूवर्ड्स बनाएंगे, अगर यहां बनाएंगे तो टूवर्ड्स बनाएंगे, ये पी वन है, ये मान लो पी टू है, तो ये मेरे ई वन है, ये ई टू है, यही लाइन लिखा है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो अवे बनाएंगे दूर, वहां से दूर,
और नेगेटिव चार्ज होगा तो टूवर्ड्स बनाएंगे। फिर से देखो, Q1 प्लस था तो अवे बनाना है, ओरिजिन पे बताना है, तो अवे मतलब नीचे ना, यस सर। Q2 भी प्लस है तो किधर बनाएंगे, नीचे बनेंगे। आप सोचो ये मेरा Q3 नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस को टूवर्ड्स, अच्छा अच्छा एक एक वाला छूट गया उसको ड्रॉ कर दे पहले, ये E2 है। हाँ अब माइनस है तो इसका टूवर्ड्स बनाएंगे, दिस इज E3। सोच के बताओ अपने से फाइनल आंसर, ये प्लस है Q4 प्लस है तो इसका फिट ओरिजिन पे किधर होगा, एक्स एक्सिस की नेगेटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव है ना तो अवे बनाए, तो इधर आएगा E4। आप देख लीजिए जी, कोई किसी को प्रॉब्लम कुछ, सब कोई, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में थे, एक और एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा। वाई एक्सिस सिस्टम है, वाई है, एक्स है, नेगेटिव एक्स है, नेगेटिव वाई है, सोच के बताना, सोच के बताना, यहां पे क्यू वन है, यहां पे माइनस क्यू टू है, यहां पे प्लस क्यू थ्री है और यहां पे माइनस क्यू फोर है, ओरिजिन पे वन का फील्ड किधर, नेगेटिव वाई एक्सिस, टू का फील्ड किधर, माइनस एक्स एक्सिस, थ्री का फील्ड किधर, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और फोर का फील्ड किधर, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव है ना टूवर्ड्स, ठीक है। चलो ठीक है, डायरेक्शन रहा, देख लो अच्छे से, समझ में आ गया होगा, ठीक। अभी देखिए थोड़ा थोड़ा सा अगला टॉपिक है, यहीं पे है, यहीं पे लिखा हुआ है, हम उसमें ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा। अब यहां पे देखो, एक चार्ज, दो चार्ज, तीन चार्ज, चार चार्ज, यहां चार चार्ज का एक सिस्टम है, ये एक चार चार्ज का सिस्टम है। अब अगर हम बोल दें कि ओरिजिन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो देखो ये चार वेक्टर्स है, तुमको इन चारों वेक्टर का रिजल्टेंट बनाओगे तो इधर आएगा, यस सर, सही जा रहा है। तो देखो इसमें क्या किए, इसमें क्या किए, हर एक चार्ज की वजह से जिस पॉइंट पे डिस्कशन करना था, ओरिजिन पे बात करना था, तो सभी का फील्ड का प्रॉपर डायरेक्शन बनाए। अगर क्वेश्चन रहता तो चार्ज का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस को यूज करके जो फॉर्मूला पढ़े तो उससे मैग्नीट्यूड निकाल लेते। और अगर कोई हमसे बोलता कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन पे बताइए, तो चारों पहले बनाते, फिर वेक्टरली इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करते, एंड दैट रिजल्टेंट विल बी एक्टिंग एज ए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओरिजिन, करेक्ट, यस सर। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जैसा कि आप फोर्स में भी लास्ट पढ़े थे, इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। नाउ सी दैट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वही बात है कि अगर कभी भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकालना है तो हर चार्ज का अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आप वहां पे बना लो और फिर सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टरली ऐड कर दो, यही तुमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, मान लो चार्ज Q1 है, यहां एक Q2 है, ऐसा इस सिस्टम में बहुत सारा चार्ज है, ये Qn भी है, और आपको इन सभी की वजह से इस P पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो 1 की वजह से फील्ड, सब प्लस मान लेते हैं, 2 की वजह से एक फील्ड, इसी तरह nth की वजह से एक फील्ड, और फिर सभी फील्ड का वेक्टर रिजल्टेंट निकाल दो, यही तुम्हारा आंसर होता है, ठीक है। हर चार्ज का अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाइए, उन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम कीजिए, जो आपका नेट वेक्टर सम आएगा, वेक्टर एडिशन, वही आपको नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देता है। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसमें दो चीज ऐड करते हैं, थोड़ा समझना, सोच के बताना। इफ
Q1 have electric field E naught. If Q1 have electric field E naught at any place, then find new electric field of Q1 at same place in presence of Q2. क्वेश्चन का आंसर दो, सोच के बताओ. मान लो Q1 का किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था E नॉट, ठीक है. अब उसी सिस्टम में Q2 आ गया, तो Q1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले E नॉट था, अभी Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ा? सेम रहेगा. सबको एक ट्राई करो जी, सोच के बताना है, कुछ कैलकुलेशन है नहीं इसमें. देखो जी, आंसर एकदम सही है उत्कर उमंग का. सुनिए, कभी भी है ना, किसी भी चार्ज का किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसी दूसरे चार्ज के मौजूद होने या नहीं होने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. तो सर फिर जो ऊपर पड़े वो क्या है? अरे भाई, रिजल्टेंट पे इफेक्ट पड़ता है, नेट पे इफेक्ट पड़ता है, रिजल्टेंट बदल जाता है, ठीक है ना. वो ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, घट सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन Q1 का पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वही इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में भी रहेगा, चाहे उसमें कोई चार्ज आप ऐड कर रहे हैं या कोई चार्ज आप हटा दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्क पड़ता है रिजल्टेंट. सो थोड़ा ध्यान रखना, देयर इज नो इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 इक्वल्स टू E नॉट. इफेक्ट विल बी इवन इन प्रेजेंस ऑफ Q2. इफेक्ट विल बी ऑन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पे इफेक्ट पड़ेगा, विच कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज. वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, लेकिन याद रखना कि जो पहले Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड था उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. समझ में आया? ठीक है. इसी तरह प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में जो फोर्स आप पढ़े थे ना, उस पर थोड़ा एक लाइन सुनिएगा, क्वेश्चन सुनिएगा. क्यों Q1 और Q2 के बीच लगने वाला फोर्स F नॉट है. अगर हम लोग कोई एक नया चार्ज Q3 ले आए तो Q1 और Q2 के बीच लगने वाला फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देयर इज नो चेंज, स्टिल इट इज F नॉट. तो फिर इफेक्ट किस पे पड़ेगा? नेट फोर्स पे. इफेक्ट किस पे पड़ेगा? नेट फोर्स पे. क्लियर हो रहा है? तो देखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब है कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स या किसी एक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड पे किसी तीसरे चार्ज के मौजूद रहने या नहीं रहने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. इफेक्ट पड़ता है रिजल्टेंट वैल्यू पे. समझ में आ रहा? यस सर. चलो ठीक है, अब इसमें एक न्यूमेरिकल पोर्शन है तो वो अगले ही दिन स्टार्ट करेंगे.